कसम भिंडी बाजार की, अगर अपुन को पुलिस से नहीं बचना होता ना तो कब का भाग गया होता इधर से। ये क्या कर रहे हो तुम लोग, येड़े हो गए लो क्या? थोड़ी देर ये सहन कर लीजिए, आपको इस नकली दाढ़ी से छुटकारा मिल जाएगा। और ये वैक्यूम क्लीनर आपको क्लीन बोल्ड कर देगा। ये क्या बोल रहे तू? मतलब क्लीन शेव कर देगा। बातें बाद में करो, पहले चलो जोर लगा के। जोर लगा के। मोटा भाई, ये वैक्यूम क्लीनर चल क्यों नहीं रहा है? मशीन तो चालू कर पहले। उजड़े चमन, बाल के साथ दिमाग भी चला गया क्या? मेरी दाढ़ी। हाँ, ये बापूजी रो क्यों रहे हैं? पिता, शायद आधी दाढ़ी बच गई ना, इसलिए रो रहे। हाँ, तो मुझे लगता है वैक्यूम क्लीनर फिर से लगाना पड़ेगा। हाँ, हाँ, हाँ। माँ, भगेश पिता, क्या बात है बापूजी? बापूजी कैसे कैरेक्टर के अंदर घुसे हुए? बापूजी, आप अगर फिल्में करते ना तो आप दिलीप कुमार की छुट्टी कर देते। पिंटुकले चिंटुकले पिंटुकले, अच्छा सावर की घटा खा कुजा बत्ती उजा, सलीम की आंटी बजा रही लिए घंटी। सुनो। अरे क्या सुने, कौन सी भाषा बोल रहे हो तो पता नहीं चल रहा है। मेरी सुनो मेरी, मुझे लग रहा है कि तुम्हारे बापूजी की ना ये आधी दाढ़ी निकली है ना, इसलिए उनका गुस्सा सर पे चढ़ गया। एक काम करते, अभी ना यहाँ से वटक लेते हैं, चलते हैं, थोड़ी देर बाद आते हैं और ये बची हुई दाढ़ी ना खींच लेते हैं। पूरे का पूरा खानदान पागल है, तर से कोई दाढ़ी किसका है क्या? ऐसा तो बचपन में मेरी माँ ने मेरा गाल भी नहीं खींचा। अभी इनको दिखाना पड़ेगा कि अपुन कौन है। परितरा, परितरा कहाँ गए? रानी परी, ये नहीं हो सकता, परितरा गायब नहीं हो सकता। हाँ, वो भी ऐसे अचानक बिना किसी चेतावनी के। परियों, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। हाँ परियों, हमारी सुरक्षा कवच में से परी तारा का गुम होना संभव है। पर रानी परी, परी तारा ऐसे गायब कैसे हो सकता है? हमें तो बहुत डर लग रहा है रानी परी। परियों, परी तारा के गायब होने का सिर्फ एक ही कारण हो सकता है। क्या रानी, क्या रानी परी? परियों, जिसने भी परी तारा को चुराया है उसने बालवीर का उपयोग किया है। रानी परी, ये आप क्या कह रही है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। परियों, हम आपको समझाते हैं। परी तारा का सीधा संबंध बालवीर के हाथ पर बने परी तारा के चिन्ह से है। यदि किसी भी तरह से बालवीर के हाथ से वो चिन्ह गायब हो जाता है तो स्थान से भी परी तारा गायब हो जाएगी। लेकिन यह असंभव है रानी परी, जैसे ही यहाँ रखे हुए परी तारा को चुराना असंभव है, वैसे ही बालवीर के हाथ पर बने हुए परी तारा के चिन्ह को गायब करना भी असंभव है। बाल परी, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं, लेकिन कभी कभी बुराई अच्छाई को हराने के लिए असंभव को संभव बनाने की कोशिश करती है और फिर वो कभी कभी इस कार्य में कामयाब भी हो जाती है। हाँ रानी परी, लगता है इस बार बुराई बहुत ही गहरी चाल चल रही है। हाँ परियो, इसीलिए जल्द से जल्द हमें बालवीर को बुलाकर पता लगाना होगा। परियो, ये परी तारा हमारी ऊर्जा का स्रोत है,
और यदि ये ज्यादा समय तक हमसे दूर रहा तो इससे मिली सारी शक्तियाँ समाप्त हो जाएंगी। ऐसा नहीं होगा रानी परी, हम बालवीर को बुलाएंगे। अब बालवीर ही इस समस्या का कोई ना कोई समाधान जरूर ढूंढ निकालेगा। मैं मुझे लगता है जो जो चीजें पहले में लिखी हुई थी वो सारी चीजें सच होने वाली है। हाँ, एक मिनट, मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा है। उसमें लिखा था मेरा पता है वहाँ, नोकीला अंडा है जहाँ। ये देखो नोकीला अंडा। और उसके बाद लिखा था अंदर उसके मिलेंगे तुम्हारे सवालों के जवाब। मतलब वो जो गेम गायब हो गई है उसका पता हमें इस अंडे के अंदर मिलेगा। और उसमें ये भी लिखा था कि जल्दी करना वरना नोकीला अंडा करेगा तुम्हारी हालत खराब। मैं मुझे तो लगता है कि ये नोकीला अंडा बहुत ही खतरनाक है। लगता है नोकीला अंडा कोई ना कोई मुसीबत खड़ी करने वाला है। पर मानव बल्लू ये देखो, ये अंडा तो कब से शांत पड़ा हुआ है ना। मानो मैं ये तूफान के आने से पहले की शांति है। मरे ए बल्लू, ए तुम लोग पहले से ही बहुत डरे हुए, अब तुमने और मत डरा प्लीज। अरे मैं डरा नहीं रहा हूँ। बच्चों को बचाना होगा। ये क्या हो रहा है? मैं बालवीर क्यों नहीं बन पा रहा? कहीं मेरा संदेह सच में तो साबित नहीं हो गया? मेरी सारी शक्तियां इस खेल के अंदर तो नहीं चली गई? यदि ऐसा है तो फिर मैं इस खेल से अपनी शक्तियां वापस कैसे लूंगा? कैसे? अरे ये बालवीर अभी तक आया क्यों नहीं? मानो मुझे लगता है वो किसी दूसरे बच्चे को बचाने में बिजी होगा। अरे बल्लू लल्लू वहां से क्या देख रहा है? इधर आ, कुछ जल्दी कुछ कर। हाँ मैं कुछ करता हूँ। पर मैं पहले में लिखा था कि अगर नोकीले अंडे से पाना है छुटकारा तो फिर चाल चलनी होगी दोबारा। इसका मतलब कि हमें वो गेम ढूंढकर अपनी दूसरी चाल चलनी होगी। उस गेम का पता हमें संडे से ही चलेगा। मानो मैं तुम दोनों चिंता मत करो, मैं अभी कुछ करता हूँ। छुपा वहाँ और रहे यार, अगर नुकीले अंडे से पाना है छुटकारा तो चल चलनी होगी दोबारा। कपड़े रखते हैं जहाँ? अलमारी में। वो गेम कपड़ों की अलमारी में, जल्दी से चेक कर, जल्दी जल्दी। बहुत वेरी गुड, जल्दी मेरे गेम निकाल जल्दी। मैं जल्दी कर, ये नुकीले कांटे हमारी तरफ ही आने वाले हैं। मैं जल्दी कर, जल्दी अपनी नाइन गेल, जल्दी मैं प्लीज।
अरे ये गेम है कि डाकघर जो चिट्ठी पे चिट्ठी भेज रहा है। अरे चुप, पहले मुझे इसे पढ़ने दे। मिलने तुमसे आ रहा है एक आदि मानव, पर देगा नहीं मेरा पता वो, मगर उठाया होगा उसने हथियार जो, देगा तुम्हें मेरा पता वो। ये कैसी पहेली है? क्या दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया? रामपुरी और सुपारी मेकअप वाले नहीं हो सकते, ये लोग तो दिन दहाड़े चोरी कर रहे हैं। ये लोग है कौन और मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? रंगा बॉस अपुन आ गए। रंगा बॉस? ये रंगा बॉस कौन है? मैं रंगा बॉस नहीं हूँ, मेरा नाम है अमृत लाल डगली। जेल जाने के बाद आप अपने दोनों पंटर ये सुपारी और ये रामपुरी को भूल गए? रामपुरी अपुन लोगों की फोटो दिखाना बॉस को, अपुन की तीनों की फोटो दिखाएगा तो बॉस को सब कुछ आ जाएगा। अभी दिखाता है। आप लोगों के साथ मैंने कब फोटो निकाली? नहीं नहीं, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा कोई हमशक्ल है। तुम्हें शायद कोई गलत फहमी हो रही है। हाँ, ये दाढ़ी के वजह से, ये दाढ़ी तो नकली है। अच्छा नकली है? अभी अपुन को पता चलेगा। चल रामपुरी दाढ़ी खींचते हैं। दाढ़ी खींच। कसम गोरेगांव की, अगर अभी किसी ने अपना दाढ़ी को हाथ लगाया ना तो अपुन उसका बैंड बजा डालेगा, वाट डगा डालेगा, वाट ये रंगा दंगा कर डालेगा, दंगा ऐसा धोएगा, ऐसा धोएगा, उसका हलवा बना डालेगा, हलवा। कौन मेरी दाढ़ी को हाथ लगा रहा है? अरे छोड़ दे तो छोड़ूंगा नहीं तेरे को। कौन है तू? अपुन को गाय को मार रहे ला भाई, सुनाई नहीं देता तेरे को? क्या बालों को हवा दे रहे है? कान से बाल हटा। ये क्या फूक क्या रहा है मेरे को? अपुन पतला है लेकिन इतना भी पतला नहीं है कि तेरी फूक से उड़ जाएगा क्या? क्या कर रहे है अपुन? तेरा क्या बिगाड़ रहा है? हल तुम्हें मारा मारी कर रहे अपने साथ? ए मेरी बात सुन। ए बाबा समझता नहीं क्या तेरे को मैं क्या बोल रहा है? जरा रुक जा ना बाप। उधर ही चुरुक रुक। उधर पागल है क्या भाई? क्या कर रहे है तू? देखो क्या बोल रहे हो। कौन है अजीब आदमी जो बाबूजी की धुलाई कर रहा? लगता है पागल खाने से फन कर
करके आया है। मार नहीं, मार रन। वही सेम टू सेम। मानव के बारे में बताया था वो भी सच हो गया। अब हम क्या करें? अरे बालवीर भी यहाँ पे नहीं आ रहा है। अगर बालवीर यहाँ पे आता तो सब कुछ ठीक कर देता। बच्चों, मैं चाहकर भी तुम सबकी मदद नहीं कर पा रहा हूँ। लगता है मेरी सारी शक्तियाँ सच में उस खेल में चली गई है। खैर, अब जो भी हो, मुझे सब घर वालों को इस आदि मानव से बचाना होगा और उस गेम को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। मानव बल्लू, इस आदिमानव को भगाने के लिए हमें जल्द से जल्द दूसरी चाल खेलनी पड़ेगी। अरे लेकिन उसके लिए पहले हमें गेम तो ढूंढनी पड़ेगी ना। क्लू में लिखा था कि उठाया होगा हथियार आदिमानव ने, जो देगा मेरा पता वो। इसका मतलब है कि गेम का पता उसके हथियार में लिखा होगा। तो अभी मैं उसका हथियार छीन कर आया। तू बालवीर है क्या कि उसका हथियार छीन लेगा? दोस्तों खुश रहो। दोस्तों, कई सारे बच्चों ने हमें लिखकर बताया कि किस तरह वो हमेशा जानवरों की मदद करते हैं, और उनमें से कुछ बच्चों के नाम हैं बिलासपुर के प्रत्युष गेदार, अहमदाबाद के काटा परीख, दिल्ली के गायत्री गौरी, रायसन के शिवराज बौद्ध, आगरा के देव खन्ना, इंदौर के अमनी यात्रे, हरियाणा के मल्लिका शर्मा, गुवाहाटी के स्मृति बोरा, बीकानेर के माया चरण, अलीगढ़ के वसुंधरा, मुंबई के सिद्धि डेडा, गोरखपुर के अभुदीप शिकार, आगरा के आदर्श सिंह, इधर के आयमान और अजनान, और दिल्ली के दीपांशु सिंह। बहुत अच्छे बच्चों, आप सबके इसी अच्छे काम के लिए आपको भी मिलता है मैं अभी बालवीर बहन। समय आ गया है आज के खास पत्र का। दोस्तों, ये है आज का खास पत्र जो हमें लिखकर भेजा है न्यू दिल्ली की कृष्णा बठेजान। दोस्तों, कृष्ण ने हमें लिखकर बताया कि किस तरह वो हमेशा अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखते हैं और स्वच्छ भारत अभियान में अपना योगदान देते हैं। बहुत अच्छे कृष्ण। तो दोस्तों, अगर इन्हीं की तरह आपने भी किया है कोई अच्छा काम या फिर की है किसी की मदद, तो लिखकर भेजिए हमें इस पते पर या फिर लॉग आउट कीजिए subtv.com पर, क्योंकि अब हर बच्चा बनेगा बालवीर। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.